तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेटिन हेयर स्पा की एक वीडियो। काफ़ी दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि मैम बालों की केयर हम लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए। तो इनके बहुत ही फिजी बाल हो रहे हैं और काफ़ी डैमेज हेयर हो रहा है, और इस तरीके के बालों पर अगर आप कैरेटिन हेयर स्पा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शाइन आ जाती है और आपके बाल जो हैं वो बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरी क्लाइंट जो है वो मुझसे एक दिन पहले बात करके गई थी, तो मैंने उनको बताया था कि आप अपना हेयर वॉश करके आना। अगर आपका क्लाइंट हेयर वॉश करके ना आए तो आप लोगों को उनके बालों को हेयर वॉश करना है सबसे पहले, उसके बाद जो है आप लोगों को हेयर स्पा स्टार्ट करना है। बट मेरे क्लाइंट जो है वो हेयर वॉश करके आई थी, तो मैंने सिर्फ ओनली फॉर गीला किया है उनके बालों को, और आपको 90% हेयर गीला कर लेना है। इतना गीला बाल होना चाहिए कि उसके अंदर आप जो भी ये क्रीम लगाएंगे, जो ये कैरेटिन हेयर स्पा क्रीम मिली है, इसको जब आप लगाएंगे तो आपका जो बालों में बहुत अच्छे से ये पेरीटेट होनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपका बाल जो है वो 90% गीला होना चाहिए, और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कीजिए। इसके अंदर आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी तरह कोई ऑयल मिलाने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह कोई इन्फ्यूज़ वगैरह मिलाने की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोरियल वगैरह का करते हैं तो उसके अंदर हमें मिक्सिंग करनी होती है विटामिन ई के कैप्सूल की और इन्फ्यूज़ वगैरह की, बट इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर आपको ये प्रोडक्ट लेना है और छोटे छोटे सेक्शन लेकर आपको बालों में इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसकी एप्लीकेशन करना बहुत इजी होता है, बट मर्चिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप लोग इसकी एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे तो इसका रिजल्ट उतना ही बेटर आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ना बाल हमारे गीले रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई आपके पार्लर पर आता है और उसके बालों में तेल डला हुआ है या उन्होंने हेयर वॉश 2-3 दिन पहले किया है, तो सबसे पहले आप उनके बालों को हेयर वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद में ये स्टार्ट कीजिएगा। बट मेरे क्लाइंट क्योंकि मुझसे बात करके गई थी एक दिन पहले, तो मैंने उनको बता दिया था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की है, तो इसको करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और इनके बालों की तो लेंथ वगैरह भी काफ़ी थी तो काफ़ी टाइम लगा था। इसलिए जब वो मुझसे बात करके गई थी तब मैंने उनको बताया था कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप अपना हेयर वॉश करके आना, क्योंकि हेयर वॉश करने में भी 15 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तो वो घर से हेयर वॉश करके आई थी, अपना शैम्पू वगैरह वो करके आई थी, और उनको बताइए कि आप ओनली फॉर शैम्पू करके आइए, आपको कंडीशनर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर शैम्पू आप घर से करके आ सकते हैं। और अगर वो ना करके आएँ घर पर तो आप पार्लर में उनका हेयर वॉश कीजिए बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे अपने पार्लर में तो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और क्लाइंट जो है वो बहुत खुश होकर जाएंगे। और ये जो मेरी क्लाइंट है, ये मेरा रियल हेयर स्पा चल रहा है इस टाइम, कैरेटिन हेयर स्पा रियल चल रहा है, और ये मेरी क्लाइंट है, उनके ऊपर मैं आप लोगों को ये करके दिखा रही हूँ। तो देखिए आप लोगों ने देखा एप्लीकेशन कितनी अच्छे से की जा रही है, मर्चिंग कितनी अच्छे से की जा रही है।
आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने पूरे बालों में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन की है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद हम लोगों ने हाथ से मसाज की कम से कम 5 मिनट, और उसके बाद हम लोगों ने 5 से 7 मिनट मशीन से मसाज की है। जो मसाजर आता है, बॉडी मसाजर जो आता है ना, उससे आप लोगों को मसाज करनी है बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम इनके बालों को अब स्टीम देंगे, और स्टीम जो है वो हम लोगों को 10 मिनट देनी होती है। बालों में कम से कम 10 मिनट आप लोगों को स्टीम देनी होती है। और काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास ये भी आते हैं कि मैम ये स्टीमर कहाँ मिलता है, तो ये स्टीमर आप लोगों को बहुत ईजिली अमेज़ोन पर मिल जाएगा। मैंने तो मार्केट से ख़रीदा था, क्योंकि आप मार्केट से जाकर खरीद कर लेकर आएंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो पार्लर के होते हैं, बहुत चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो आप लोगों को हमेशा मार्केट से जाकर ही खरीद के लेके आना चाहिए। क्योंकि पार्लर में हम लोगों को जितनी भी मशीन वगैरह रखनी होती है, इनको आप मार्केट से लाएंगे खरीद के, तो आपको पूरा चलाने का तरीका भी वो आपको बताएंगे, किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है वो भी तरीका बताएंगे, और आप लोगों के सामने होती है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, वो आपके सामने होती है। 10 मिनट हम लोगों ने इनके बालों में स्टीम दी, और उसके बाद ना, क्योंकि हीट होती है बालों में स्टीम के बाद, तो हम लोगों को एक शावर कैप लगा देना चाहिए जिससे कि स्टीम लॉक हो जाए। और कम से कम आपको 5 से 10 मिनट जो है वो शावर कैप लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद हम इनके बालों को हेयर वॉश करेंगे, और इसको छोड़ने का सिर्फ बेनिफिट यही है कि इनके बालों की जो भाप है, जिस जो बालों की गर्मी है, वो बालों में ही बनी रहती है, एकदम से बाल ठंडे नहीं होते हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों को बाल इनके धुलने हैं। तो हेयर वॉश जो है वो आप थोड़े गुनगुने पानी से कीजिएगा, जैसे इस टाइम तो सर्दियाँ चल रही हैं तो वॉम वाटर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट गर्मियों में भी हम लोगों को ना नॉर्मल पानी जो यूज़ करना है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करना है, मतलब हल्का वॉम वाटर से ही हम लोगों को हमेशा जो है वो बालों को वॉश करना चाहिए। और गर्मियों में तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी टैंक में पानी जैसा आता है वो बिल्कुल ठीक होता है हम लोगों के बालों के लिए और स्किन के लिए। तो सर्दियों में जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों को हल्के से वॉम वाटर से ही बालों को धुलना है, और बहुत अच्छे से इनके बालों को वॉश करिए, सारी क्रीम वगैरह इनके बालों से निकल जाएगी। इसके बाद हमें इनके बालों में ओनली फॉर सीरम लगाना है, और उसके बाद हमें इनके बालों को ड्राई कर देना है हेयर ड्रायर से। बाकी हमें इनके बालों में कुछ नहीं करना है, हेयर स्पा स्टेम कंप्लीट है। और आप अपने क्लाइंट को कहकर भेजिए कि आप अपने बालों को कम से कम 48 घंटे तक शैम्पू ना करें। ये वाला काम जो है ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उन्हें हेयर वॉश कब करना है। तो 48 घंटे कम से कम हम लोगों को जो है वो हेयर वॉश नहीं करना चाहिए हेयर स्पा के बाद। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोगों को हेयर सीरम कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप हेयर सीरम जो है वो स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लोरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा हेयर सीरम आप लोग अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। इनके बालों को हम लोगों ने थोड़ा सा सुखा दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया, लेकिन जितना भी सुखाया था उसके बाद इनके बाल ना अपने आप बहुत अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि ज़्यादा ड्राई लगाना भी बालों के लिए ठीक नहीं होता है। तो हमारी क्लाइंट ने बोला कि मैं उतने टाइम बैठ जाऊँगी पार्लर में ही जितने टाइम मेरे बाल सूखेंगे। और इनके बाल ड्राई होने के बाद इतने सिल्की स्मूथ और बहुत ही प्यारे हो गए थे, इतना प्यारा रिजल्ट आया है, और कितने सिल्की स्मूथ इनके बाल हो गए। और हेयर स्पा के बहुत सारे फायदे हैं, आपका बाल झड़ना बंद हो जाता है, आपके बालों की फिजीनेस खत्म हो जाती है, आपके बालों का पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।